आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। ये सीधी तस्वीरें द गया मुस्लिम गर्ल्स ऑर्फिनेज से मैं दिखा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ ग्राउंड जीरो पर जाके इन सारी तस्वीरों को आप तक पहुँचा सकूँ। यहाँ पर हमारे साथ तीन बच्चियाँ हैं। द गया मुस्लिम गर्ल्स ऑर्फिनेज की कंप्यूटर लैब है इनका, बहुत शानदार। तो मैंने सोचा इसी लैब के अंदर बच्चों से बातचीत किया जा सके। बहुत कम उम्र की लड़कियाँ हैं यहाँ पर, कब से हैं, किस तरह से उनकी पढ़ाई है, क्या मिल रहा है, और इनसे हम कुछ जानने और समझने की भी कोशिश करेंगे। मैं एक एक बच्चे के पास जाता हूँ और उनसे सवाल जवाब करूँगा। बेटा आप अपना नाम बताइए, इधर देखिए आप अपना नाम, बैठ के बातचीत करेंगे हम लोग। और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सुनाएं, आप अपना नाम बताएं पहले। हमारा नाम नास परवीन है जी, कुछ सुनाएं आप। परिंदे में रहना ये मेरी हया की कुवत है, परिंदे में रहना ये मेरी हुसन की जीनत है, मेरी दिल की पायत पर्दा है, मेरी कल्ब की राहत पर्दा है, कितनों से बड़ा पर्दा है कुर्रा की पायत पर्दा, जन्नत की खुद को हीरो की मैं मलका करती हूँ, मैं मलका करती हूँ, मुस्लिम कौन की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ, अल्लाह रसूल हुक्मों की मैं पर्दा करती हूँ। बहुत ही अच्छी आवाज़ है, मैंने कोशिश की इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाने की। फिर नेक्स्ट बच्ची है, ये भी यतीम बच्ची है, इसे भी बातचीत करेंगे आप। मैं चाहता हूँ अपना नाम ज़रूर बताइए और कुछ सुनाइए आप हमें। मेरा नाम आलिया परवीन है। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, अगर छीनना है जहाँ छीन ले, ज़मीन छीन ले आसमां छीन ले, मेरे सर की बस एक छत न छीने, अगर माँ न होती ज़मीन पे न आती, जुआ चल न होती कहाँ सर छुपाती, मिला लाल कह कर बुलाती है मुझको, के खुद भूखे रह कर खिलाती है मुझको, के होठों से मेरी हंसी छीन ले ये, के गम दे दे मुझको खुशी छीन ले ये, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, अगर छीनना है जहाँ छीन ले ये। बिल्कुल इनकी आवाज़ में दर्द है, हमने कोशिश की कि उन दर्द को आप तक पहुँचाया जा सके। हम एक और बच्ची है द गया मुस्लिम गर्ल्स ऑर्फिनेज की, यतीम बच्ची, उससे भी बातचीत कर। बेटा आप अपना नाम बताइए और मुझे कुछ सुनाइए आप। खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने, अगर छीनना है जहाँ छीन ले, जमीन छीन ले आसमां छीन ले, मेरे सर के बस एक छत ना छीने, अगर माँ न होती जमीन पर न आते, जो आचर न होती कहाँ सर छुपाते, मिला लाल कह कर बुलाती है मुझको, कि खुद भूखी रह पर खिलाती है मुझको, कि होठों से मेरी हंसी छीन ले, कि दम दे के मुझसे खुशी छीन ले, खुदा मुझे से माँ की मोहब्बत न छीने, अगर छीनना है जहाँ छीन ले। आप आवाज़, इनकी आवाज़ में दर्द है, यकीन मानिए। इन सब के पिता नहीं हैं, मगर एक ऑर्फनेज है गया में, द गया मुस्लिम गर्ल्स ऑर्फनेज, जहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं। हमने कोशिश की इनके दर्द को आपसे बांटने की। कहीं ना कहीं ये बच्चे यहाँ कुछ सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम उन्हीं की ज़बानी समझने की कोशिश करेंगे। क्या उनको मिल रहा है, ये पूरा ऑर्फनेज है जहाँ कंप्यूटर लैब है, उसी कंप्यूटर लैब से हमने इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश की। बेटा आप बताइए यहाँ पढ़ाई कैसी है, क्या मिल रहा है आपको पढ़ के, यहाँ पर कैसा लग रहा है? यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है हमको, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खेलना वगैरह आपके सीनियर्स वगैरह कैसे हैं, किस तरह से करते हैं आप लोगों को, यहाँ पे खाना पीना कैसा मिलता है, किस तरह की चीज़ें हैं, ये हमें बताइए। सब कुछ अच्छा है। आपको अच्छा लगता है ना यहाँ पे पढ़ने उड़ने में, यहाँ पढ़ाई वगैरह सारी कैसी है? हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई वगैरह सब अच्छा है। तो हमने कोशिश की कि बच्चों से डायरेक्ट बातचीत किया जाए। हमारी कोशिश थी इस स्टोरी को कवर करके आप तक ग्राउंड ज़ीरो से तस्वीरें दिखा सकें। हमने कोशिश की इन यतीम बच्चों का दर्द आप तक पहुँचाया जा सके। आप इनको सपोर्ट कीजिए। हमारी कोशिश है कि इस ऑर्फनेज में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को
फ़ायदा हो सके, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके। यकीन मानिए इन तीनों बच्चों ने मुझे जो कुछ भी सुनाया, ऐसा लगता है ये आने वाले समय में बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये ऑर्फनेज इन बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। कोशिश की जानी चाहिए समाज के द्वारा कि इस ऑर्फनेज को सब लोग मदद करें, आगे आएं, बढ़ें, ताकि और बच्चों की मदद की जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।